हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में लगातार ठनी हुई है। केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े छुपा रही है। अब आंकड़े जारी किए गए हैं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। दो दिन बाद जब पश्चिम बंगाल सरकार ने आंकड़े जारी किए, केंद्र की टीम के दबाव के बाद ये आंकड़े जारी किए गए, तो फिर सबसे ज्यादा मौत का जो आंकड़ा आ रहा है पिछले कुछ घंटों में, वो पश्चिम बंगाल से ही सामने आया है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश सिन्हा इस समय मौजूद हैं। प्रकाश, आखिरकार आंकड़े पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए, लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं आंकड़ों को लेकर भी है। बिल्कुल, पहले दिन से ही सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि एक तरफ पूरा देश जहां कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, वहीं हम पश्चिम बंगाल में एक दूसरी लड़ाई भी देख रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की लड़ाई। और आपने देखा कि कल सेंट्रल टीम, जो मेडिकल सेंट्रल टीम कलकत्ता पहुंची थी पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जिन्होंने दौरा किया था, जाने के पहले उस टीम ने चीफ सेक्रेटरी को जो खत लिखा या ऑफिशियल चिट्ठी भेजी, उसमें साफ तौर पर कई आरोप लगाए गए, गंभीर आरोप। इससे बुरा क्या होगा कि जो सेंट्रल टीम, केंद्रीय टीम जो बंगाल के दौरे पर पहुंचती है, वो जाने से पहले आधिकारिक तौर पर बताती है कि उनके साथ विरोधी पार्टी की तरह व्यवहार किया गया, उन्हें किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार जो है आंकड़े छिपा रही है, मौत जो मौतें हो रही हैं कोरोना से, उन आंकड़ों को छिपा रही है। दो दिन में अचानक से ये जो आपने देखा 98 मौतें, आंकड़े बढ़ गए अचानक से, ये कहीं ना कहीं मालूम होते हैं कि दबाव में बढ़े। और जो राजनीतिक लड़ाई हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो एक अलग लड़ाई है। अभी भी राजनीतिक मुझे लगता है हम जल्दी से जरा ओम प्रकाश तिवारी का रुख करते हैं। ओम प्रकाश, ये केंद्र सरकार की टीम के दबाव में अब पश्चिम बंगाल सरकार ने आंकड़े तो जारी कर दिए हैं, लेकिन सवाल ये कि आंकड़ों की सत्यता को लेकर भी तो सवाल है ना लगातार। देखिए रोमाना, केंद्र सरकार की जो सेंट्रल टीम गई थी, अगर आप उसके फैक्ट्स पर ध्यान दें, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि 30 अप्रैल को जो डाटा वेस्ट बंगाल सरकार ने अपने बुलेटिन में जारी किया और जो केंद्र सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया, दोनों में 187 का अंतर था। उन्होंने वहां पर बताए थे 30 अप्रैल को एक्टिव केस 572, डिस्चार्ज 139 और एक्सपायर्ड 33, यानी कि टोटल 744 केस। लेकिन 30 अप्रैल को ही उन्होंने जो डाटा भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में दिया, वहां पर उन्होंने टोटल आंकड़ा बताया 931, यानी दोनों के बीच में 187 केसों का अंतर था। इसी तरह से स्पष्ट तौर पर केंद्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1 तारीख और 2 तारीख, इन दोनों तारीखों को जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसने आंकड़ा नहीं दिया है, अपने जो उसने बुलेटिन है उसमें टोटल नंबर केस ऑफ डेथ नहीं दिखाए हैं। रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो आंकड़ों के साथ बाजीगरी कर रही है, उसको डाउन प्ले कर रही है। और उनसे यह भी कहा गया उनके चीफ सेक्रेटरी को कि इसको डाउन प्ले ना दिखाए वायरस के फैलने को और सरकार सही आंकड़े दे। रोमाना, तो क्या अब ये मामला और तूल पकड़ेगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच? बिल्कुल रोमाना, ये मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है कि आखिर आंकड़े गड़बड़ कैसे रहे, दोनों आंकड़ों में अंतर कैसे हो रहा है। जो वहां पर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जो केंद्र को भेजे जा रहे हैं, दोनों में 187 का मतलब 200 का आंकड़े का अंतर कैसे आ रहा है, ये भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वो जिस तरह से पूरी ध्यान रखना चाहिए, जो कोविड इलाके हैं वहां पर उस तरह से ध्यान नहीं किया जा रहा है। जो डाउन प्ले किया का जो आरोप है वो अपने आप में बहुत ही अहम आरोप है कि आंकड़ों के साथ जो बाजीगरी हो रही है, वो आंकड़ों की जो बाजीगरी है उसी तरह से अगर डेथ रो बढ़ रहा है लेकिन अगर कम दिखा रहा है, तो ऐसे में कोविड को रोकने में बहुत सफलता नहीं मिल पाएगी। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र की टीम की तरफ से राज्य सरकार पर यह आरोप कि कहीं ना कहीं बाजीगरी कोरोना के आंकड़ों के साथ पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। फिलहाल ताजा आंकड़े सामने आए हैं और वो जो 196 मौत का आंकड़ा है पिछले कुछ घंटों में, उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं मौत के मामले सामने आए तो वो पश्चिम बंगाल में, 98 मौत के मामले जो सिर्फ पश्चिम बंगाल से सामने आए हैं।